पांच ऐसे टॉप जोन है जहां पर आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई करिएगा, तो यहां पर परसिट कंपटीशन भी जो है दोस्तों वो कम देखने को मिलता है हम लोगों को, हर बार जो है कम देखने को मिलता है। एज इज जस्ट अ नंबर। देखिए साथियों, ऐसा बोला जाता है मगर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए भाइयों, अगर आप लोग सरकारी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही मायने में जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो भैया आप लोग के एज को रहते वक्त ही जॉब ले लेना है। नहीं तो एक बार एज क्रॉस हो गया तो उसके बाद जेई एएलपी टेक्नीशियन जितना भी भर्ती है आते रहेगा, आँख के सामने सिर्फ दिखेगा, मगर आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मजबूरी बन जाता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और उस टॉपिक को हम आप लोग को अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं हमारे प्यारे भाइयों। देखिए, हम अभी आप लोग को चार्ट प्रिपेयर कर दिए हैं। ये चार्ट जो है वो है आप लोग का दोस्तों मैकेनिकल ब्रांच के लिए। मैकेनिकल ब्रांच का जो भी जोन में जितने सीटों पर वैकेंसी आया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम अभी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों। उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए एग्जिट किए हैं दोस्तों, हम आप लोग को रेलवे का प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बहुत दिनों से करा रहे हैं। काफ़ी क्लासेस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, कवर कर लिए हैं दोस्तों। और उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे भाइयों का वहाँ पर मैसेज आ रहा है, जब से ये आरआरबी जेई का भर्ती आया तब से मैसेज आ रहा है कि भैया हम जो है मैकेनिकल से हैं, हम इलेक्ट्रिकल से हैं, हम सिविल से हैं, क्या हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो अरेंज हो सकता है? तो जी हाँ साथियों, आप लोग के लिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ये अरेंज करके ला दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जाम आप लोग का 30/8/2019 को हुआ था। जिस भी आप लोग ब्रांच से हैं, आप लोग को एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ पर आकर के मैसेज कर देना है कि भैया हम मैकेनिकल से हैं, हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए। तो देखिए आप लोग को जैसे 30/8/2019 का ये क्वेश्चन है, एक छोटा सा सैंपल के तौर पर आप लोग के लिए लिए हैं ताकि आप लोग समझ लीजिए। और ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया इंग्लिश में, उसके बाद यही फॉर्मेट हो गया साथियों हिंदी में भी। दोनों फॉर्मेट में आप लोग को जो है ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में। और इसका जो है यहाँ पर आप लोग को अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब भी कर दिया गया है कि हाँ, ये अगर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा तो आखिर क्या कारण है कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही जवाब होगा। इसी प्रकार से सभी ट्रेड का हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध है। लगभग आप लोग का प्रीवियस ईयर का जो है ना दोस्तों, वो 3 से 5 जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर का सेट आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल से है, चाहे मैकेनिकल से है, चाहे सिविल से है, सभी को प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर का लगभग जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो 1500 से प्लस क्वेश्चन, यानी कि लगभग 2000 क्वेश्चन आप लोग को जो है साथ में प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी देंगे, ताकि आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ आप लोग के ब्रांच से, ऐसा नहीं है मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों का अलग से देंगे, और मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल का अलग से, सिर्फ मैकेनिकल का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग को अगर ऐसा नोट से चाहिए, सही महीने में साल 2024 में जॉब को निकालना है, भैया क्रैक करना है रेलवे के एग्जाम जेई को, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है तो आप लोग को बतला दे रहे हैं हमारे प्यारे साथियों। इस नोट्स के लिए आप लोग को जो है ना हमारे प्यारे भाइयों, वो मात्र 70 रुपये देने होंगे। आप लोग नंबर को जरा नोट कर लीजिए, नंबर कहाँ पर नोट कर दे आप लोग के लिए हमारे प्यारे साथियों, रुक जाइए एक मिनट, इसको थोड़ा सा डाउन कर लिए। चलिए, नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा हमारे प्यारे भाइयों। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मेट को अभी प्यार से समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मेट क्या कर रहा है। नोट कर लीजिए 7870141238। आप लोग को टोटल जिस भी ट्रेड से आप लोग हैं, आप लोग के ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, साथ में लगभग 1500 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप लोग अपने प्रिपरेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इस नंबर पर क्या करना है, आप लोग को मैसेज कर देना है। ये क्या है दोस्तों, तो एक व्हाट्सएप नंबर है, अपना ट्रेड बतला दीजिएगा, और ट्रेड बतलाने के बाद आप लोग को 70 रुपीज पे करने होंगे। आप लोग को स्कैनर नहीं तो UPI ID वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग नंबर को नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर का डाटा चाहिए तो, सारा क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो, 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, अपना ट्रेड बतलाना है और 70 रुपये पे करके सभी आप लोग को जो है अपने ट्रेड से क्वेश्चन ले लेना है। चलिए आइए देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर कि मैकेनिकल ब्रांच का आखिर आप लोग का जो अभी डाटा निकाला गया है, इस डाटा के हिसाब से कौन से जोन में दोस्तों हाईएस्ट सीट गई है और कौन से जोन का आप लोग का लोएस्ट सीट है, और ये बात और भी बतलाएंगे कौन सा अभी आप लोग का मैकेनिकल के लिए सेफ जोन रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों, सारे इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोग को। देखिए ऊपर से अगर हम लोग टॉप 5 जोन की बात करें प्यारे साथियों, तो आती है हम लोग की मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और पटना। ये टॉप 5 जोन है जहां पर आप लोगों का हमारे प्यारे साथियों
जो है मैकेनिकल ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाला गया। देख सकते हैं 800 सीटों पर मुंबई में है, चेन्नई में 444, कोलकाता 435, भोपाल 254, पटना 213, ये आप लोग का हाईएस्ट सीट निकाला गया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए। ठीक है दोस्तों, जेई की ये वैकेंसी की टॉप ये 5 ऊपर की जोन है। उसके बाद अजमेर से लेकर के दोस्तों हम लोग का जो मिडिल वाला जोन है, मिडिल वाला जोन कितना दर तक आता है ये भी बतलाएंगे। नीचे से जरा हम लोग टॉप 5 को देख लिया जाए कि कम सीटों में टॉप 5 जोन हम लोग का कौन कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले है सिलीगुड़ी, जिसका की सीट जो है मात्र 14 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है प्यारे साथियों। उसके बाद तिरुवनंतपुरम की बात कर ले तो 58 सीटों पर वैकेंसी है। भुवनेश्वर की बात कर ले दोस्तों तो 71 सीटों पर वैकेंसी है। रांची की अगर बात कर ले हमारे प्यारे भाइयों तो 74 सीटों पर वैकेंसी है। इसी प्रकार अगर हम लोग मालदा की बात कर लेते हैं हमारे प्यारे साथियों, तो मालदा का आप लोगों का 84 सीटों पर वैकेंसी है। ये हो गया दोस्तों हम लोग का नीचे से 5 टॉप 5 जोन मालदा तक। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। नीचे का हो गया मालदा तक, ऊपर का कहां तक हो गया था दोस्तों, तो पटना तक हम लोगों ने हो गया था। देखिए कहां तक, सॉरी पटना तक, पटना तक ये रहा आप लोग का टॉप ऊपर का और ये रहा भैया टॉप नीचे का जोन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग का जो बीच वाला जो बच रहा है ना हमारे प्यारे भाइयों, ये हम लोगों के लिए सेफ जोन रहने वाली है। क्योंकि देखिए सभी लोगों का क्या होता है ना, मानसिकता होती है हमारे प्यारे साथियों कि जो टॉप में जहां पर ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है वहां पर अगर हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो परसिट कॉम्पिटिशन है कम रहेगा। जबकि ऐसा आज तक भैया इतिहास गवाह है, रेलवे का कोई भी आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा वैकेंसी कभी भी आया है तो, कभी भी जो कि टॉप 5 जोन रहता है जिसमें ज्यादा वैकेंसी निकाली गई रहती है दोस्तों, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है परसिट फाइट, ज्यादा देखने को मिलता है कॉम्पिटिशन, ज्यादा देखने को मिलता है हमारे प्यारे साथियों। और टॉप लोएस्ट में तो भैया अगर आप लोग का सही मायने में है कि नहीं भैया हम में है उतना हिम्मत कि हम इजिली एकदम क्रैक कर सकते हैं, तो आप लोग नीचे से टॉप 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप लोग की मर्जी है। मगर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है वो हम आप लोग को बता दें कि हमारे देखने के हिसाब से सेफ जोन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इजिली जो है अजमेर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ अप्लाई करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जम्मू श्रीनगर अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अहमदाबाद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिलासपुर मत करिए, गोरखपुर गुवाहाटी, हाँ देखिए एक गुवाहाटी भी आप लोग की सेफ रहती है। ये लगभग हमारे देखने से जो 5 ऐसे टॉप जोन है, 5 ऐसे टॉप जोन है जहां पर आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो यहां पर परसिट कंपटीशन भी जो है दोस्तों वो कम देखने को मिलता है हम लोगों को, हर बार जो है कम देखने को मिलता है। तो अजमेर की अगर सीटों की बात कर ले तो 209 सीटों पर वैकेंसी है, आराम से अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो ये जैसे मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है ना, तो यहाँ पर आप लोग अपने कैटेगरी का जो है देख लीजिएगा कि आप लोग के कौन से कैटेगरी का कितना सीट है। ठीक है, तो आइए देखिए कौन से कैटेगरी का आप लोग को ये भी बतला दे। देखिए दोस्तों ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहां से आप लोग को पूरा टोटल कवर करा दे एक बार में। हाँ देखिए ऊपर है हम लोग का जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड लास्ट में है हम लोग का दोस्तों फाइनल। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोग को इजिली कौन कौन से जोन को अप्लाई करना है मैंने बताया। अजमेर में अप्लाई करिएगा, कोई इशू नहीं है। चंडीगढ़ कोई इशू नहीं, जम्मू श्रीनगर कोई इशू नहीं है, आराम से। अहमदाबाद अप्लाई करिए हमारे प्यारे साथियों, इधर गुवाहाटी में अप्लाई करिए। ये 5 जोन हमारे देखने से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए सेफेस्ट है। अगर आप लोग मैकेनिकल ब्रांच से हैं प्यारे साथियों तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग के मन में कुछ डाउट्स है जेईई से रिलेटेड, चाहे आप लोग कोई भी डिपार्टमेंट से हैं, दूसरे भी किसी भी डिपार्टमेंट से हैं भैया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को उसका रिप्लाई मिलेगा। कोई भी डाउट्स है तो जोन के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और नोट्स चाहिए तो आप लोग को बतला ही दिए, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना नोट्स से लेकर के और इजिली घर बैठे उस नोट्स को पीडीएफ के फॉर्मेट में निकलवा लीजिएगा, निकलवा करके आप लोग जो है इजिली पढ़ लीजिएगा घर पर, अपने तैयारी कर सकते हैं भैया। तो नंबर नोट कर लीजिए 7870141238, ये जो है आप लोग के लिए प्यारे साथियों क्या है व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करना है, अपना ट्रेड बतलाना है और ट्रेड बतलाने के बाद 70 रुपये पे करके आप लोग को जो है पूरा जो है फुल नोट्स ले लेना है, प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन आप लोग को कवर करा के दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके, कोई भी ट्रेड से आरआरबी जेई की किसी भी ट्रेड से, चाहे एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप बी हो, आरपीएफ हो, कोई भी हो, आप लोग इजिली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सारा हमसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप लोग से प्यारे भाइयों पर निवेदन करेंगे, चैनल पर नए विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए एंड वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा, कुछ भी डाउट्स हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, अपना अपना भैया
ट्रेड का जो है कैटेगरी का सीट देख लीजिएगा और कैटेगरी का सीट को देखते हुए आराम से फॉर्म अप्लाई करिएगा। मगर ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को अजमेर में, चंडीगढ़ में, जम्मू श्रीनगर में, अहमदाबाद में और उसके बाद दोस्तों गुवाहाटी में। ये पांच जोन हमारे देखने से सेफेस्ट है। इन पांच जोनों में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे अब ये भी मत करिएगा ना कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पर कौन सा जोन है, ये अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में मात्र 9 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाला है। तो यहाँ पर मत करिएगा दोस्तों, कोई जरूरी थोड़ी है कि यहीं पर आप लोग अप्लाई करिएगा। अपना एसटी के हिसाब से दूसरा भी कोई आप लोग जोन सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो पांच सेफेस्ट है उसमें से कर लीजिए, नहीं तो जो आप लोग की मनो भैया आप लोग करिए। मगर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आशा करेंगे कि हमारे द्वारा दिए गए सेशन अच्छी लगी होंगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए विजिट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।